दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी घटना सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। यह डरावनी होने के साथ साथ आपके दिल को जज्बाती तौर पर छू लेने वाली घटना है। इस कहानी का शीर्षक है मृत्यु के बाद की एक डरावनी ट्रेन यात्रा। रात का सन्नाटा छाया हुआ था, आसमान पर काले घने बादल छा रहे थे। दिसंबर माह की यह एक भयानक गहरी काली अंधेरी रात थी। शहर से दूर हाईवे पर घने खूबसूरत जंगल के पास आतिशा का एक प्यारा सा घर था। उसका बेडरूम फर्स्ट फ्लोर पर पूर्व दिशा की ओर था। आतिशा एक गर्म कॉफी का प्याला दोनों हाथों से पकड़े जंगल की तरफ चुपचाप से देख रही थी। ठंड की वजह से बाहर गहरी धुंध सी थी। मौसम तेजी से बारिश जैसा होने लगा था। थोड़ी देर ही खड़े रहने के बाद वह फायरप्लेस के पास रखे एक बड़े से सोफे में बैठ गई। कॉफी के कप को गर्म होने की वजह से उसे दोनों हाथों से पकड़े हुए थी। अपने मन में कुछ सोचते हुए आतिशा फायरप्लेस की जलती लकड़ियों को टकटकी लगाए देखती रही। उसकी तेज जलती लपटों में वह अचानक कहीं खो सी गई। तभी उसने देखा कि शाम के 5 बज रहे होंगे एवं आतिशा के घर के बाहर काफी चहल पहल दिख रही थी। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि अपने ही घर के सामने वाले लान में वह एक मृत्यु सैया पर कैसे लेटी हुई थी। उस पर फूल वगैरह भी पड़े हुए थे। तभी कुछ लोगों ने उसकी अर्थी को उठाया और कंधे पर रखकर ले जाने लगे। आतिशा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कब हुआ, क्योंकि मैं तो अभी जिंदा हूँ। उसने लोगों को बहुत रोका, पर ना कोई उसे देख पा रहा था और ना ही सुन पा रहा था। वह दुखी सी सबको रोक रही थी कि प्लीज ऐसा कुछ मत करो, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फायरप्लेस की जिस जलती हुई लकड़ियों को वह लगातार देख रही थी, वास्तव में देखते ही देखते वह अब एक सुलगती चिता में परिवर्तित हो चुकी थी। आतिशा ने देखा कि उसके सामने ही उसकी चिता तेजी से जल रही है और अपने अंतिम पड़ाव में आ चुकी है। पूरे शमशान में अब उसके सिवा कोई भी नहीं था। सूर्यास्त का वक्त हो चला था। आसमान हल्का लाल था व सूर्य आधा डूब चुका था। वह बिल्कुल अकेली अपनी ही चिता के पास एक बड़े से चबूतरे में बैठी हुई थी और अपनी जलती उस चिता को दुखी व बोझिल भरे मन से चुपचाप शांति से देख रही थी। उसकी आंखें भी भरी हुई थी। यह शमशान अंग्रेजों के बनाए एक पुराने से रेलवे स्टेशन से लगा हुआ ही था। वहां रात में 2 या 3 पैसेंजर ट्रेन ही रुका करती थी। ना वहां लाइट थी ना ही कोई मेंटेनेंस था। रात 6 बजे बाद वहां कोई नहीं होता था। कई लोगों को तो वह स्टेशन दिखाई भी नहीं देता था। वो कहते थे ऐसा कोई स्टेशन यहां है ही नहीं। अचानक ट्रेन की तेज सीटी की आवाज सुनाई दी। आतिशा चौंक गई। देखा तो वहां एक ट्रेन आकर अभी अभी रुकी थी। आतिशा अपने आप धीरे धीरे उस ट्रेन के पास चली गई और उस पर चढ़ गई। ट्रेन में एक भी कोच एसी का नहीं था, सब नॉर्मल स्लीपर कोच ही थे। ट्रेन का इंजन भी 80 वर्ष पुराना भाप वाला था, जिसकी तेज आवाज उस अंधेरी रात में दूर दूर तक फैल रही थी। उसके भाप ने तेज ठंड होने की वजह से पहियों के पास सफेद बादल का एक अंबार सा बना दिया था। आतिशा के चढ़ते ही एक तेज सीटी व भाप के गुबार के साथ छुक छुक करती यह ट्रेन चलने व रफ्तार पकड़ने लगी और देखते ही देखते यह शहर से दूर जंगलों से गुजरने लगी। आतिशा ने अंदर आकर जब पूरे कोच पर एक नजर डाली तो चौंक गई। पूरे डिब्बे में कोई भी नहीं दिख रहा था, परंतु सारी बर्थें खुली थी और सभी बर्थों पर सफेद चादरें मुंह तक ओढ़े लोग गहरी नींद में सो रहे थे।
आतिशा घबरा गई। अभी तो शाम है, फिर ये लोग अभी से कैसे सो गए हैं? हवा के हल्के से झोंके से पास की ही बर्थ पर सो रहे अनजान के चेहरे से चादर हट गया। आतिशा ने देखा कि हाल ही में मृत उसके दादाजी उस बर्थ पर लेटे हुए हैं। पास में ही वर्षों पहले मर चुकी उनकी पत्नी भी लेटी हुई थी। ऊपर की बर्थ में 2 महीने पहले मृत पड़ोस वाली आंटी लेटी हुई थी। और आगे जाकर देखा तो एक लड़का जो उसके फ्रेंड सर्किल में था और जीवित भी था, वह भी वहां लेटा हुआ था। यानी जल्द ही वह भी मरकर इसी ट्रेन में लेटने वाला था। थोड़े आगे आकर देखा तो एक अंकल जिसने अभी अभी जस्ट उसकी अर्थी को कंधा दिया था, वह भी वहां लेटे हुए थे। यानी उनका नंबर भी जल्दी ही लगने वाला था। आतिशा बहुत ज्यादा डर गई और भागकर वापस गेट की तरफ आने की कोशिश करे लगी, पर वह आ नहीं पा रही थी। जैसे किसी ने पैरों को जकड़ रखा हो। आतिशा ने महसूस किया कि ऐसा ही कुछ उस समय भी उसने महसूस किया था जब वह सफेद चबूतरे से उतरना चाह रही थी, तब भी उसके पैर जकड़े हुए थे। उसने अपने पैरों की ओर देखा तो वह सन्न रह गई। उसके दोनों पैर के अंगूठे आपस में रस्सी से टाइट बंधे हुए थे, जिसे वह स्वयं नहीं खोल सकती थी। साथ ही साथ उसने एक बात और नोटिस किया कि आतिशा तो एक दुल्हन के शादी वाले जोड़े में सजी हुई थी। पूरे शरीर में वह सिर से पांव तक सुहागनों वाले गहने पहने हुए थी। हालांकि वह बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, उसके पैर भी बहुत खूबसूरत लग रहे थे। उनमें मेहंदी लगी हुई थी। वह दोनों पैरों में सोने की खूबसूरत पायल व उंगलियों सोने की डायमंड लगी बिछिया थी। आतिशा अच्छी लग रही थी कि उस पर नजर ही नहीं ठहर रही थी। आत्मिक स्वरूप में होने की वजह से आतिशा को गेट तक लौटने में कोई रुकावट नहीं आई, जबकि अंगूठे अब भी बंधे हुए थे। ट्रेन के गेट के दोनों तरफ के हैंडल्स को पकड़कर वह बाहर की तरफ मुंह करके खड़ी हो गई और मासूमियत से बाहर देखने लगी। बाहर सूर्य अपने सूर्यास्त पर था। पहाड़ों के बीच से डूबता हुआ थोड़ा थोड़ा सा दिख रहा था। उसकी हल्की सुनहरी रोशनी आतिशा के चेहरे पर पड़ रही थी। हवा से उसके बाल उसके चेहरे पर आ रहे थे, जिससे वह और भी अच्छी लग रही थी। उसका पवित्र चरित्र उसके पूरे चेहरे को कांतिमय बना रहा था। रात कब बीत गई पता ही नहीं चला, और देखते ही देखते आसमान में हल्की सी लाल रोशनी दिखाई देने लगी थी और ट्रेन की गति भी कम होने लगी। और कुछ ही पलों में ट्रेन एक प्राचीन से वीरान स्टेशन पर रुक गई। तभी आतिशा ने देखा कि एक हैंडसम मैन, जिसकी उम्र लगभग 27 से 28 वर्ष होगी, हाइट लगभग 6 फीट, फेयर कलर ब्राउन हेयर ब्लू आईज, हल्के पिंक कलर का सूट, हाथों में डायमंड की गोल्ड घड़ी पहने हुए प्लेटफॉर्म में अकेला खड़ा था। ट्रेन के रुकते ही वह आतिशा के पास आकर सबसे पहले उसके पैर के अंगूठों में बंधी उस रस्सी को खोला, फिर अपने दोनों हाथों से आतिशा को उठाते हुए ट्रेन से नीचे उतारा। नीचे उतरते ही वह दुल्हन से एक साधारण लड़की में बदल गई। वह लड़का भी नॉर्मल कपड़ों में आ गया। दुनिया के रस्मों रिवाज से अलग हटकर वे दोनों अब सदा के लिए एक दूसरे के हो गए। जन्मों से बिछड़े होने के बाद आज वे दोनों हमेशा के लिए एक हो गए थे। अपने बाएं हाथ में पकड़ी एक शाल को आतिशा को ओढ़ाते हुए हल्का सा लपेट दिया, फिर उसे साइड से हक करते हुए अपने हाथ उसके दूसरी तरफ के दाहिने कंधे पर रख लिया। वह अपने साथ स्टेशन से बाहर खड़ी अपनी कार की तरफ सीधे लेकर गया। आतिशा को गोद में उठाते हुए अपनी बाजू की सीट पर बिठा दिया, फिर स्वयं भी अपनी ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और जीप को स्टार्ट कर तेजी से टर्न लेते हुए वह आतिशा को हमेशा हमेशा के लिए आने वाले हर जन्मों के लिए अपने साथ लेकर चला गया।
आतिशा भी उसके कंधे पर अपना सिर रख लिया और एक सुरक्षा का एहसास करते हुए उसे बड़े प्यार से साइड से हग कर लिया। दोनों का पेयर बहुत अच्छा लग रहा था और देखते ही देखते उनकी कार आंखों से ओझल होती चली गई। एकाएक आतिशा नींद से चौंक कर जाग गई और उसकी आंख खुल गई। सुबह सुबह की धूप सीधे उसकी आंखों पर पड़ रही थी। रात फायरप्लेस को देखते देखते कब उसकी आंख लग गई थी उसे पता ही नहीं चला, और वह फायरप्लेस की आग कब उसके स्वप्न में चिता की भयानक आग में बदल गई। अंधेरी रात में आतिशा शमशान में अपनी ही चिता के साथ पूरी रात अकेले बैठी रही। फिर उस मायावी व अदृश्य डरावने रेलवे स्टेशन में एक सदियों पुरानी उस ट्रेन में मृत्यु के उपरांत का भयंकर डरावना एक लंबा सफर पूर्ण किया, पर अंत इतना अच्छा हुआ था कि एक तरफ वह सोच सोच कर डर जाती, वहीं दूसरी तरफ बहुत खुश, क्योंकि इस स्वप्न का इतना सुखद अंत उसे बार बार प्रफुल्लित व रोमांचित जो कर देता था।